इंदौर में भले ही गर्मी का पारा नीचे की तरफ गिरता दिखाई देता है, मगर सियासत का पारा हमेशा चरम पर ही रहता है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पर निगम बजट को लेकर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी हमेशा कुछ ऐसा काम करते हैं जिसकी वजह से जग हसाई हो। बहती गंगा में हाथ धोना सांसद शंकर लालवानी की पुरानी आदत है। जी हाँ, ऐसा कहना है मध्य प्रदेश कांग्रेस सचिव राकेश सिंह यादव का। हाल ही में सांसद शंकर लालवानी ने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि नगर निगम के जो किराएदार हैं, उनका कोरोना काल का किराया माफ किया जाएगा। कोविड के कारण लोगों की दुकानें बंद रही, लोगों की आय है, लोगों को अब राहत की दरकार है। इसी बयान के चलते कांग्रेस के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने इंदौर के सांसद शंकर लालवानी पर आरोप लगाए हैं। देखिए, हमारे यहाँ के जो सांसद हैं वो हर बार कोई ऐसा काम करते हैं जिससे इंदौर की जगह सही होती है। बहती गंगा में हाथ धोना उनकी पुरानी आदत है। कल उन्होंने बयान दिया है कि जो नगर निगम के किराएदार हैं उनको कोविड काल का यानी मार्च अप्रैल मई जून का किराया माफ़ कर दिया गया है, जबकि निगम के बजट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। ये उन्होंने भ्रम और झूठ फैलाया। दूसरी बात उन्होंने बोली है कि टैक्स की सीमा बढ़ा दी गई है, वो तो पिछले वर्ष ही मुख्यमंत्री जी ने एक परिपत्र जारी किया था, नगरीय निकाय विभाग का आ चुका है कि कोविड काल के कारण 6 महीने आगे उसको बढ़ाया जाएगा और जो अधिभार है उसमें छूट दी जाएगी। तो ये दोनों काम, जो एक तो पूर्व साल का करा हुआ था उसका श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं, दूसरी बात जो किराया छूट की बात निगम के बजट में है नहीं वो फैला के लोगों से वाहवाही लूट रहे हैं। तो माननीय सांसद जी को अब उन 4 महीनों का किराया माफ़ कराना चाहिए, और अगर नहीं करा पाते हैं तो राजबाड़ा पर पहुंचकर इंदौर की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए कि अब वो ऐसा झूठ नहीं फैलाएंगे। दूसरी बात, वो बोलते हैं कि इंदौर का बजट बन रहा था, मुझे सूचना नहीं दी अधिकारियों ने। अरे आप श्रीमान जी इंदौर के सांसद हैं, अफ्रीका या युगांडा के नहीं हैं? आपको इतना ही नहीं पता कि इंदौर का बजट बन गया है और आपको सूचना नहीं मिली, तो आपके प्रशासन पर क्या पकड़ है? आपकी क्या स्थिति है इंदौर में? आप सांसद हैं या पार्षद हैं जो आपको सूचना नहीं मिलती? इस तरह के हास्यास्पद बयान, इस तरह की ऐसी बातें बोलना जिससे इंदौर के सम्मान को ठेस पहुंचती है, और ये निष्क्रियता का प्रमाण है कि जब आपको यही नहीं पता है कि इंदौर का बजट बन गया और उसके बाद आप जाके अधिकारियों से बोल रहे हैं कि आपने मेरे से बिना पूछे बजट के प्रावधान बना लिए, मुझसे सलाह नहीं ली, या अपने आप में ऐसा महसूस होता है कि हमने जो सांसद चुना है वो निष्क्रियता की पराकाष्ठा पे हैं। निश्चित तौर पर इंदौर में जो मतदाता ठगे गए हैं, जो मोदी जी ने लहर चलाई थी, उस लहर में ऐसे लोग भी जीत गए हैं जो उस पद को डिजर्व भी नहीं करते हैं, और इसका एहसास अब मतदाताओं को हो रहा है कि उन्होंने यहाँ तो गलती की ही, प्रधानमंत्री चुनने में भी एक बड़ी गलती की, उसका भुगतान अब पूरे देश की जनता कोरोना काल से, पेट्रोल से, डीजल से लेकर सब बातों में कर रही है।